घर से कुछ नहीं मिला, कोई वेपन वगैरह कुछ नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या बोला मेरे भाई को, जिसकी वजह से इसने सुसाइड किया। अभी पुलिस वाला और इसमें प्रधान भी गांव की साथ में थी। विदाउट लेडी पुलिस किसी घर की सर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सुसाइड किस तरह? इतना पता नहीं है, पर जो घर में थे रात को उनसे ही पता लगा कि बोले सुसाइड कर लिया। क्या बोला था? क्या किया था? हैंग किया या दवाई की? हैंगिंग की होगा, हैंगिंग। चाचा जी तो मैं भी रात को जब पुलिस आई थी तो प्रधान और पुलिस ने इनके घर छापा मारा ना, इनके पास आए जो वारंट थे पंच और प्रधान जी और दो तीन पुलिस वाले सात आठ थे। फिर दो तीन बंदे ऊपर आए, इन्होंने बोला गांव वाला कोई ऊपर नहीं आएगा। मैं वहां से घर के लिए गया, ये ऊपर आए, इन्होंने ना इनके पास कोई सर्च वारंट है, ना पंच को पता है, ना प्रधान को पता है। प्रधान ने तो मना कर दिया, पुलिस वालों के पास भी नहीं। इन्होंने इधर आके चारों पर कमरों की तलाशी ली, इनको कुछ नहीं मिला। इन्होंने बताया इसके पास अवैध हथियार है, इसके पास कोई अवैध हथियार नहीं मिला। इन्होंने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें नहीं पता, क्या इनका राजीनामा हुआ। जब पुलिस गई तो उसके 10-15 मिनट के बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं अपने घर था, मेरे को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। जब तक मैं आया तो मैंने इनको नीचे पड़े हुए देखा, ये नहीं मेरे को पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर ये जो है बाबू राम जो इनको टॉर्चर बहुत करता था 7-8 सालों से, हमारे पंच के पंचायत से पूछ लो, चाहे हमारे दनेटा थाना से पूछ लो, चाहे नदौन थाना से पूछ लो, सब उसकी फाइलें बड़ी हैं। गांव में लगभग 90% लोगों के साथ इसकी नहीं बनती है, सबके साथ इसका लड़ाई झगड़ा है। क्या करता है बाबू राम? पता नहीं, ऐसे ही सब जमीन के लिए कोई किसी के मकान के कोई भी काम करेगा, नजायज सरकारी जमीन पे राजा साहब की जमीन पे बोलता है ये मेरी है, मैंने खरीद रखी है, ये मेरा कब्जा है। सर इसने राजा साहब से खरीद रखी है तो हमें बताओ, राजा साहब आके बताए कि हाँ ये बेटा आपने मेरे से जमीन खरीद रखी है तो लो ये आपका कब्जा है। जबकि राजा साहब की जो जमीन है जिसके पास है वो उसका कब्जा है। आपके चाचा क्या करते हैं? हमारे चाचा जो कृषि करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, गाय भैंस रखी थी, दो छोटे छोटे बच्चे भी, एक मचान नेवी में गया था और दो कभी वो दूसरा भी 10 ही दिन हुए क्या बोलते होटल मैनेजमेंट में गया था, उन्होंने पीछे से ऐसा ऐसा कर दिया। कभी इसने ट्रैक्टर की रिपोर्टें डाल देनी, इसके पास प्रदूषण नहीं है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, इसके पास ये चीज नहीं है, ये जो इसके चलान किए जाए, ये आरटीए है, ये क्या है? एक गांव का बंदा जो हम चाहते हैं सर सारे गांव के बीच बाबूराम को लाया जाए, हमें बताया जाए कि इसको इन्होंने अरेस्ट कर रखा है और इन्होंने अरेस्ट किया है, ये हमें बोले कि हमने अरेस्ट कर लिया, हमें कोई पता नहीं सर। बाबूराम को इधर लाया जाए, सब लोगों के, सब गांव वालों, पंचायत के सारे लोग यहाँ हैं, तीनों चार गांव में, चार पंचायत में चार गांव आते हैं, चारों गांव इधर है, उनसे पूछ लिया जाए कि मरचू राम का रघुवीर सिंह का व्यवहार कैसा था और ये बाबू राम का व्यवहार कैसा है। तो उनको सामने लाए सारे गांव के बीच, उसको हथकड़ी पहन के अरेस्ट किया जाए, उस पर कड़ी पे कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है। हाँ।